हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद द चैनल। मैं फिर एक नया वोकैबुलरी सेशन लेकर आ गया हूँ 5 वर्ड्स का। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी सेशन। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास कलिंग। कलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट फ्रॉम अ लार्ज क्वांटिटी, ऑब्टेन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। जब आप किसी चीज़ को बहुत बड़ी क्वांटिटी में से चुनते हो तो उसे बोलते हैं कलिंग। ठीक है, तो ऑब्टेन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज मतलब आप बहुत सारे रिसोर्सेज से उसको इकट्ठा किया गया। इन 9 मंथ्स वी एज अ ग्रुप ट्रैक्ड एन अननोन नंबर ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन, कलिंग आउट 211 हाउ वी अटेम्प्टेड टू लोकेट। मतलब 200 में से हम लोगों ने अननोन मिसिंग चिल्ड्रन को ट्रैक करने की कोशिश करी 9 महीने में। ठीक है, तो सेलेक्ट करना, बहुत बड़ी क्वांटिटी में से चुनाव करना, इसको बोलते हैं कलिंग। ठीक है, तो इस कलिंग वर्ड को आप लोग ऐसे याद रखेंगे। अब आज मैं याद करने का तरीका नहीं बता रहा हूँ, आज आप लोग खुद से एक बार तैयार ट्राई करिए याद करने का तरीका कैसे बनाते हैं। देखिए, खुद की क्रिएटिविटी है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्लू। स्लू का मतलब होता है बड़ी मात्रा में। जब कोई चीज़, द डेफिनेशन ऑफ स्लू इज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। जब किसी बड़ी चीज़, जब किसी चीज़ का बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है, जैसे एग्जाम्पल देखो, ही गॉट एफ्लोट एंड अ स्लू ऑफ बलून्स, मतलब बहुत सारे बैलून्स उसको मिल गए। तो जब भी आपको कोई चीज़ बहुत बड़ी चीज़ बहुत बड़ी मात्रा में मिलती है तो उसको स्लू बोलते हैं। स्लो को याद कर सकते हो स्लो से। जब कोई चीज़ बड़ी मात्रा में होगी तो वो स्लो, जैसे मान लो कहीं पर अगर क्या कहते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में कोई चीज़ है तो उसको धीरे धीरे स्लो मात्रा में ही रिलीज करना चाहिए। ठीक है, स्लो, तो ऐसे याद कर सकते हैं। इनसीपिएंट, इसका मतलब होता है उत्पन्न होने वाला, इन द बिगनिंग स्टेजेस। जब कोई चीज़ अपनी बिगनिंग स्टेजेस में होती है उसको तो इनसीपिएंट बोलते हैं। ठीक है, ही टू वॉज फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम इनसीपिएंट ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रीमैटुर। इम्प्रीमैटुर का मतलब होता है अनुमति, अ पर्सन्स अथॉरिटेटिव अप्रूवल। द कोर्ट केस कुड नॉट प्रोसीड विदाउट एन इम्प्रीमैटुर फ्रॉम द जज। ठीक है, तो इम्प्रीमैटुर का मतलब क्या हुआ, अनुमति, अ पर्सन्स अथॉरिटेटिव अप्रूवल। क्लियर है, तो जैसे कोई कोर्ट केस है वो प्रोसीड नहीं हो सकता जज की अनुमति के बिना, तो इम्प्रीमैटुर का मतलब ये हुआ। लास्ट वर्ड है इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू स्टॉप। किसी चीज़ को आप स्टॉप नहीं कर सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते, इनएविटेबल टाइप। द इनएक्सोरेबल ट्रूथ इज दैट शेली इज गोइंग टू डाई विद इन 6 मंथ्स बिकॉज शी हैज कैंसर। शेली को कैंसर है इसलिए वो 6 महीने के अंदर मर जाएगी। तो इनएक्सोरेबल का मतलब है कि जब कोई चीज़ आप रोक नहीं सकते। ठीक है, तो काफ़ी सारे वर्ड हमने आज पढ़े। पहला वर्ड पढ़ा कलिंग, जिसका मतलब होता है चुनना। स्लो का मतलब बहुत बड़ी मात्रा में। इनसीपिएंट का मतलब जो अपनी बिगनिंग स्टेजेस में होता है। इम्प्रीमैटुर का मतलब होता है जब हमें किसी से अनुमति लेनी होती है। इनएक्सोरेबल का मतलब जिसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। ठीक है, डेली आप लोग को यहाँ पे कुछ ना कुछ नॉलेजेबल अच्छी वीडियोज मिलती रहेंगी। थैंक यू।